अभी देख पा रहे होंगे ये रेजोनेंस इंटरनेशनल स्कूल। हाँ, रेजोनेंस इंटरनेशनल। अभी सभी लोग भीड़ के देख रहे होंगे, बहुत भरमार भीड़ है और सभी लोग परीक्षा दिए, बहुत ही बेहतरीन रहा। देख पा रहे होंगे कि अभी हम लोग मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। आज परीक्षा का लेवल बहुत ही बेहतरीन रहा, मतलब नीचे से नहीं ऊपर से टॉप लेवल के प्रश्न पूछा, एनसीईआरटी से भी सुपर के ऊपर लेवल प्रश्न पूछा। इसलिए स्टेट वाले हो जाएं सावधान, अगर पूरी तैयारी नहीं की यही तो ग्रेजुएशन लेवल था, नहीं अगले बार ग्रेजुएशन लेवल नहीं पीएचडी लेवल होगा स्टेट वाला। ये तो प्राइमरी लेवल का ही स्थिति है, ये फेल करे की रणनीति है, ये पास करे की रणनीति नहीं है। इसलिए स्टेट वाला हो जाइए सावधान, आपको से पीएचडी वाला प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं बीपीएससी से भी ऊपर के सुपर लेवल, जानबूझ के। कैसा गया पेपर बताइए, कैसा लेवल था? क्या बता उतरा मिला लेवल बताइए, लेवल स्टैंडर्ड था ना? रुकन है ये लोग, देखिए लड़का लोग के था और लड़की लोग के कैसा लेवल रहता है इस सेकंड सिटिंग में, उसको भी देख लेते हैं। नहीं सेकंड सिटिंग में लड़की लोग का लेवल देखते हैं अब, और इसके बाद कल हिंदी का है, और इसके बाद एस्टेट का क्या स्थिति होगा रे बाबा, जो बहुत के बहुत समझ लीजिए आप लोग अभी से ही दो चार दिन बचल है, दो दिन बचल है। इस सरकार का मन से नहीं है कि नौकरी देगा, कुछ नहीं होने वाला। तो बीएड वाला ऐसी बेचारा बाहर है, बीएड वाला ऐसी ही बाहर है, ऊपर से क्वेश्चन इतना हाई लेवल के, जानबूझ करके नेगेटिव हटाया गया, बाहर नेगेटिव हटाया, समझ में अब आ गया ना। नेगेटिव हटाने का पर्पस यही था कि लेकिन पासे नहीं करता, दो चार दस परसेंट से ज्यादा पासे नहीं करता, मजबूरन नेगेटिव हटाना पड़ा। सोचिए कि प्राइमरी लेवल का ही स्थिति है, क्वेश्चन तो आप लोग के पास बाहर आ ही गया, आज दिखाने की जरूरत नहीं, देख लेंगे आप लोग। नहीं क्योंकि क्वेश्चन बाहर दिया है, नहीं आता तो हम नहीं दिखाते कि भैया ये ग्रेजुएशन का, ये ग्रेजुएशन लेवल से भी ऊपर है कि प्राइमरी लेवल के, जब पचमा के पढ़ावेगा बच्चा उसको कहते हैं इसका लेवल। और स्टेट में इतना हाई लेवल के प्रश्न लगता है कि आप लोग पास करिएगा नहीं, हो जाइए सावधान स्टेट वाले, अभी भी सावधान वक्त है, अभी भी वक्त है। चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि एक एक लोगों तक पहुंचे, और अभी से हो जाए सावधान, और अच्छे तरीके से अभी बचा हुआ 24 घंटा रिवाइज कीजिए और प्रश्न को पढ़िए, और कल हिंदी कितनों पढ़िएगा ना, पढ़ल तो आइए नहीं रहा, पढ़ल आइए नहीं रहा है। तुम बोले हैं कि आप हिंदी में क्या पढ़े हैं वो हम देख लेंगे, बोल दिए हैं हिंदी में भी रहेगा हाई लेवल, हिंदी में क्या पढ़े हम देख लेंगे, इंग्लिश तो हम जानते हैं कि आप लोग नहीं जानते हैं, हिंदी के इंग्लिश इजी रहेगा लेकिन हिंदी रहेगा। मुख्य रूप से कहा जाए कि सीधे फेल करने का रणनीति किया जा रहा है, नहीं सीधे फेल करने का, ऊपर से एक तो बेचारा बीएड वाला के हमारा भी खेत उत बेच के सब बीएड किया है, और बताइए कि बीएड को अपन पत्नी के गहना बेच करके किया, पत्नी के गहना तो पहली बार है, खुद एक दोस्त है, पत्नी गहना बेच, नहीं सही बात है, हंसने की बात है, सही बात है, पत्नी कोई पत्नी की गहना बेचकर कोई खेत वाली, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया उस दिन मेरा दोस्त बोला कि हम जा रहे हैं सुसाइड करने, सोसाइटी सुनते हैं कि कई लोग सोसाइटी भी कर गए, हाँ। कहा कि हम पत्नी के गहना बेच करके बीएड किए और उसके बाद ये स्थिति हुआ, कुछ लोग सोसाइट भी कर चुके हैं। सरकार अभी भी मनसा क्लियर कीजिए, कट अप को आओ एकदम घटाइए, पासिंग मार्क मत रखिए, सीधे सीट भरने का उपाय कीजिए, नहीं कितना एक क्वालिफिकेशन इतना परसेंट है, इतना परसेंट नहीं दिया जाए, सीधे आपके पास 80,000 उसमें सीट है, नहीं ऊपर से फुलफिल करिए, काहे कि बेचारा अभी कितना एग्जाम देगा, पहले एंट्रेंस के लिए दिया, बीएड किया, डीएलएड किया, इसके बाद सीटेड किया, एस्टेड किया, अब कितना परीक्षा लीजिएगा, इसलिए कटअप नहीं रखा जाए, नहीं चलिए कटअप नहीं रखा जाए, अगर कटअप रहेगी तो फिर हम लोग वही भरमार आंदोलन करेंगे, छात्र सड़क पर उतरेंगे, यहाँ से विधानसभा से लेकर के, नहीं सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे, इसलिए अच्छा है कि आप कटअप को नहीं रखा जाए, बहुत हाई लेवल के कटअप, नहीं चलिए धन्यवाद, वीडियो को एक एक लोगों तक पहुंचाइए, जय हिंद।
जय भारत, जय स्टेट अभ्यर्थी, जय शिक्षक अभ्यर्थी, जय।